आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। नुपुर शर्मा को लेकर अक्सर सवाल होते हैं कि नुपुर शर्मा कहाँ गए, क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। आपको पूरी घटना के बारे में पता है कि किस तरह से इस मामले को हैंडल किया था? एक्चुअल मुद्दा था श्रृंगार गौरी का, जो कि ज्ञान बापी का डिबेट चल रहा था। तो आपको याद होगा मोहन भागवत जी है, उन्होंने बोला कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशा। जेपी नड्डा का भी बयान आ गया कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडा में नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष में कुछ इनके लोग बैठे हुए हैं जो कि ये बताते रहेंगे कि धीरे धीरे इनका निशाना काशी और मथुरा भी है। तो एक्चुअल में उस डिबेट को दबाना था और कतर को खुश करना था। आपको एक चीज याद होगा कि जाकिर नाइक ने जो बात बोली थी उसी चीज को नुपुर शर्मा ने दोहराया था। जाकिर नाइक फीफा वर्ल्ड कप में जाता है और नुपुर शर्मा सार्वजनिक जीवन छोड़कर वैसे जीने पर विवश है, जो कि आज बेशक फोटो सामने आ गए, लेकिन ये तो सबको पता है कि उनकी जान को कितना खतरा था। और दुर्भाग्य से बात की है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के लिए लोगों को आवाज उठाना चाहिए था उतना लोगों ने नहीं उठाया, वरना बीजेपी इनको निकालना तो बहुत दूर सोच भी नहीं पाती। चलिए 1 मिनट के लिए निकाल भी देती तो दोबारा उसकी मजबूरी हो जाती भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना, क्योंकि वो तस्लीम रहमानी को काउंटर कर रही थी। वो तस्लीम रहमानी आज भी खुले में डिबेट कर रहा है और एक लंबे समय बाद नुपुर शर्मा की एक फोटो सामने आ गई। तो ये सेकुलर भारत की तस्वीर है जहां आप हिंदू देवी देवताओं को गाली तो दे सकते हैं, लेकिन कोई काउंटर कर दे जो कि फैक्ट है तो उसे पार्टी से भी निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लगे, उसके अलावा उसको रेप करने की, हत्या करने की, गला काटने की धमकी दी जाए और वो सार्वजनिक जीवन छोड़ने पर विवश हो जाए। तो यही है हमारा सेकुलर इंडिया कि आप देवी देवताओं को गाली दें, वो सब सेकुलरिज्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आ जाता है, लेकिन किसी ने फैक्ट भी रख दिया तो वो हेट स्पीच हो जाता है और उस हेट स्पीच के बदले कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाती है, ग्राउंड वर्कर भी काम करता है। एंड फाइनली जिसने सच बोल दिया उसको खत्म कर दो ताकि लोगों के अंदर दहशत व्याप्त हो जाए। तो कुछ ऐसा नहीं करता। चलिए आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।